जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और ये है ऑडिट की एमसीक्यू सीरीज। इसके अंदर सर हम ऑडिट के बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका सही जवाब सर आपको मिलेगा कहां पे? टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक सर नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको दे रहा हूं। राइट गाइज, आपने सर इन क्लासेस को बनाना है बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव, आपने करने हैं सर बहुत सारे कमेंट, अपने आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा और एक दूसरे के साथ काफी चीजें डिस्कस करिएगा, तभी सर इस कम्युनिटी का, इन वीडियोज का फायदा है। एमसीक्यूज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है सर, आपके एग्जाम में लगभग 16 नंबर के ट्रू फॉल्स आते हैं, तो मैं इसमें सर एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक सारी चीजें सर आप लोगों के लिए इंटीग्रेट करके लेके आऊंगा। राइट, एक बात याद रखिएगा सर, नए पैटर्न में भी ये एक्सपेक्ट करता हूं कि सर आपसे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे। लेट अस सी क्या होता है, बट सर ये बहुत जरूरी होने वाले हैं, इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगी। राइट गाइज, और बाकी जो टीचर सर जनरली हमें कॉपी करते रहते हैं, भाइयों आप लोग भी कुछ शुरू करो। मैं शुरू कर रहा हूं सर ऑडिटिंग पे और टैक्सेशन पे, अब देखना ही है कि सर कौन कॉपी करके कब शुरू करता है। ओके, सो दो तीन बातें जल्दी से। एक तो सर वीडियो को लाइक जरूर देना है, ताकि सर मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, पता चलता रहे कि कितनी अटेंडेंस आ रही है, कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कितना इंटरेक्टिव कॉन्टेंट बन पा रहा है। दूसरी बात सर, इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को बढ़ाना है, 2 लाख तक पहुंचाना है, मैं तो कहता हूं 2.5 लाख तक पहुंचाना है, जल्दी से कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट करते रहिएगा, सही आंसर सर आपको मिलेंगे टेलीग्राम के ग्रुप में, वहां पर शेयर कर दिया करूंगा। उसके बाद सर एक काम और करना है, अगर सर आप और मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर क्यों नहीं फॉलो करते, चलो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, वहां पर मैं और मिष्टी बहुत सारी फोटोग्राफ्स और इंस्टा स्टोरीज डालते रहते हैं, उसका भी लिंक सर नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं। तो फायदा उठाइए सर इस ऑडिट एमसीक्यू सीरीज का और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, लाइक्स दीजिए सबसे ज्यादा, और बस आइए अब देखना शुरू करते हैं ऑडिट की एमसीक्यू सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ऑडिट के एमसीक्यूज, तैयार हैं आप सब? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा आंसर। उससे पहले सर मैं आप लोगों को बताता हूं अपने ऑडिट के सुपर 80 मार्क्स पैकेज के बारे में, जिसमें सर ओल्ड और न्यू कोर्स दोनों की कवरेज है। 80 मार्क्स की कवरेज है सर, जो कॉमन 80 मार्क्स है मैं आपके वो कवर करा दूंगा बहुत आसानी से, आपको मिलेगी खूब सारी अंडरस्टैंडिंग और ढेर सारा रट्टाफिकेशन। एक बात सर प्रॉमिस, एंटरटेनमेंट भी बहुत होगा, जिसे मैं प्यार से बुलाता हूं एड्यूटेनमेंट, एंड साथ में ही आप लोगों को प्यार हो जाएगा सर इस सब्जेक्ट से, जिसका नाम है ऑडिटिंग। इमीडिएट एक्सेस आप लोग पा सकते हैं सर, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, जैसे जैसे मैं अपने फेस टू फेस बैच बढ़ाता जाऊंगा आपको सारी वीडियोस मिलती जाएंगी, आपको डाउनलोड करनी है और देख लेनी है। इस कोर्स को आप पा सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके www.neerajaroclasses.com पे। राइट गाइज, चलिए अब देखते हैं आज का पहला एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू गाइज क्या बोलता है, बोलता है कि साहब बताइए आईसीएआई इज दी डैश लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड। आपने आंसर कैसे देने हैं, नीचे लिखेंगे पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर में सर उसका आंसर आप लिख देंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद सर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, जेनेसिस ऑफ ऑडिट लाइज इन द लैटिन वर्ड, कौन से वर्ड से सर ऑडिट बना था, ये जो ऑडिट वर्ड आया है ये कौन से वर्ड से आया था, जल्दी से बता दो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, बहुत जरूरी। अगला क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर जी, नॉट टू बी मिस्ड, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव आपने मुझे बताना है, इज टू टेल मैनेजमेंट अबाउट देयर मिस्टेक्स। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, नहीं बताओगे तो बहुत ज्यादा डांट खाओगे, जल्दी बताओ ट्रू और फॉल्स, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे जाए। अगला सवाल, इंडिपेंडेंस इज नॉट वन ऑफ द मेन प्रीरिक्विजिट और इज नॉट वन ऑफ द प्रीरिक्विजिट ऑफ ऑडिटिंग। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है मैंने, हल्का सा सर आप लोगों के स्किल्स यहाँ पे जांचे जा रहे हैं, बहुत आसान है, बस एक इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, इंडिपेंडेंस इज नॉट वन ऑफ द प्रीरिक्विजिट ऑफ ऑडिटिंग। आपको इसके आंसर चाहिए, आज मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो सब मैंने आपको नीचे दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर हमारे पास, इंडिपेंडेंस मीन्स योर जजमेंट शुड नॉट बी सबॉर्डिनेट टू द विशेज ऑफ अनदर, आई शुड से अदर्स, हाँ जी, योर जजमेंट शुड नॉट बी सबॉर्डिनेट टू अदर्स, चलिए बताइए ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या इंडिपेंडेंस का मीनिंग यही होता है, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर इंडिपेंडेंस पे है, इंडिपेंडेंस मीन्स बायस्ड, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, बायस्ड, कम ऑन टेल मी जल्दी से, क्या इंडिपेंडेंस का मतलब बायस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटर शुड इंक्लूड दिस इन हिज ओपिनियन, ऑडिटर को ये अपने ओपिनियन में इंक्लूड करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ट्रू एंड करेक्ट व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। बढ़िया क्वेश्चन सर, मेरी तरफ से स्टार क्वेश्चन है, आप लोगों को थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या ऑडिटर को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपिनियन देते समय ये चीज़ इंक्लूड करनी पड़ती है, रीजन भी बताइएगा, कहाँ कौन सा वर्ड गलत है ये देख के जरा मुझे जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन सर, ये हमारा 8th क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड नोट्स टू अकाउंट्स, आईपीसीसी में ऑडिटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, याद कीजिए और मुझे बताइए कि नोट्स टू अकाउंट उसका पार्ट होते हैं या नहीं होते हैं, सबके आंसर दे देना नीचे। अगला पॉइंट है एफआरएफ एंड एएफआरएफ,
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मैं शॉर्टकट्स यूज करने वाला हूं आप लोगों के साथ, तो याद कर लीजिए एफआरएफ एंड एएफआरएफ आर वन एंड द सेम थिंग. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? आखिरी क्वेश्चन आज का, जल्दी से सुन लीजिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर, ट्रू और फॉल्स? कम ऑन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर, ट्रू और फॉल्स? जल्दी से बताइए मुझे इन सबके आंसर्स. और सर अगर आपको आंसर जानने हैं तो आ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, मैं वहां पे आपको सारे आंसर्स देने वाला हूं हर क्वेश्चन का. ठीक है ठीक है ठीक है. आई होप गाइज आपने इस एमसीक्यू सीरीज में कुछ सीखा, और सीखा तो सर अब तो यहां तक पहुंच गए, तो भाई वीडियो को लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना गए तो सर पाप चढ़ेगा आप लोगों को. राइट गाइज, और सर नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा. और बाकी सारे जो पेड कोर्सेज हैं डायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी का, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे जो आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं. यस दे आर पेड कोर्सेज, बट सर सब्सक्राइब कीजिए और उनका फायदा उठाइए और अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाइए. राइट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद. और हां सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद.